Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, कुछ समय पहले का परफॉर्मेंस, तो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चल कैसा रहा है, जिससे कि क्लियरली पता चलेगा कि क्या अंडर परफॉर्मेंस है, और अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है, और फ्यूचर में क्या हम नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फंड्स का रिटर्न्स वापस आएगा। अगर आप भी खुद से अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और उसे मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा, और उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल Phronesis Investor Academy सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप इक्विटी फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के। देखिए, ऐसा नहीं कि सारे इक्विटी फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक है, लाइक उसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का देखें, लास्ट वन ईयर फाइव ईयर का ठीक है, थ्री ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है जो कि चलता है। एक्सिस मल्टी कैप नया फंड है लेकिन परफॉर्मेंस ठीक है, इनका भी लास्ट वन ईयर का देखेंगे। एक्सिस वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ESG फंड, क्वांट फंड, स्पेशल सिचुएशन फंड, सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है रीसेंट टाइम्स का एटलीस्ट देखें। लेकिन हाँ, जो इनके पुराने फंड्स हैं जिनका ये बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे किस फंड का अंडर परफॉर्मेंस है, तो देखिए एक्सिस फोकस 25, आप ये देखिए लास्ट वन ईयर, थ्री ईयर, फाइव ईयर, टेन ईयर, सभी जगह अंडर परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस देखिए बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा, बेंचमार्क 11.3% का रिटर्न है और ये फंड जस्ट 2.39% का रिटर्न दे रहा है। थ्री ईयर्स में भी देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये फंड तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। इसके अलावा फोर और फंड्स हैं जिनका अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, वह एक्सिस फ्लैक्सी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म जो कि ELSS फंड है इनका, एक्सिस मिड कैप का भी परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा नहीं है, और एक्सिस ब्लू चिप का भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। एक्सिस स्मॉल कैप को अगर आप देखें तो यस, लास्ट वन ईयर में अंडर परफॉर्मेंस है, थ्री ईयर में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे एज कम्पेयर टू बेंचमार्क, तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। कुछ फंड्स अच्छा किए हैं लेकिन ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। साथ ही थ्री ईयर में कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, वन ईयर में है, लेकिन ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अगर ये अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेता है तो फिर एवरेज रिटर्न्स ये अच्छा कर पाएगा। तो फिलहाल एटलीस्ट एक्सिस स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो बाकी फंड्स हैं वहाँ पे तो कंसर्न है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक्सिस को जाना जाता है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन किस फंड का सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है? एक्सिस वैल्यू फंड। तो एक्सिस वैल्यू फंड का आप लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है, जबकि दूसरे फंड्स का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्यों ये फंड इतना अच्छा कर रहा है और दूसरे फंड्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करें इन फंड्स का। देखिए, निफ्ट एक्सिस ब्लू चिप फंड ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। निफ्टी 50 का अगर आप पी देखेंगे तो 20.5 है, इसका पी देखिए 30 से भी ज़्यादा है। एक्सिस मिड कैप देखिए आप 40 से भी ज़्यादा पी, जबकि निफ्टी मिड कैप 150 का पी अगर आप देखेंगे इंडेक्स फंड का तो 25 के आसपास है। स्मॉल कैप 31 से भी ज़्यादा है, जबकि इसका जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 उसका अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो वो 23.5 के आसपास है। कितना बड़ा डिफरेंस है। नीचे के ये जो फोर फंड्स हैं सारे निफ्टी 500 को फॉलो करते हैं, दैट इज़ वो बेंचमार्क है इनका। निफ्टी 500 का पी रेशियो कितना है फिलहाल? 21.8 के आसपास इनका पी रेशियो देखें, कितना ज़्यादा पी रेशियो है। और इवन वैल्यू फंड का भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स दूसरे फंड से कम है लेकिन इनका भी ऐसा नहीं कि बहुत कम है। तो देखिए, एक तो ये बिल्कुल यहाँ देखकर क्लियरली पता चलता है कि ये पूरी तरह से ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं ये, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में हो रहा है इनका, ये इससे हमें ये पता चलता है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड मैनेजर जिसमें भी मैंने हाईलाइट किया, और सारे नए फंड मैनेजर्स हैं। देखिए, श्रेयास देवालकर तो अब हेड ऑफ इक्विटीज है, वो पहले से मैनेज कर रहे हैं ब्लू चिप को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को और फ्लैक्सी कैप को। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सारे फंड्स में ही उनका नाम है एज अ फंड मैनेजर, और इनके अलावा बहुत जो दूसरे फंड मैनेजर्स हैं सारे नए फंड मैनेजर्स हैं। तो देखिए, एक तो इन्होंने हेड ऑफ इक्विटी जो है श्रेयास देवालकर, उन्हें
ऑलमोस्ट सारे फंड्स में इंक्लूड कर लिया है, सिर्फ वैल्यू फंड में उन्हें नहीं रखा गया है, और वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। बट एनी और बाकी सारे फंड्स को अगर आप देखें तो नए फंड मैनेजर्स हैं। नॉम इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करते हैं, उसे क्लियरली पता चल जाएगा कि अंडर परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है। देखिए सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग फंड कौन सा है, एक्सिस फोकस 25। यहाँ पे आप इनके पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं, कंपनी किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, कितने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और लास्ट 1 ईयर का इन स्टॉक्स का रिटर्न क्या है। तो देखिए अगर आप कंपनी का देखेंगे तो कंपनी आपको शायद ही कोई बुरा लगे, सारी बहुत अच्छी कंपनीज है, तो वहां कोई इशू नहीं है। इशू क्या है कि देखिए इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में किया है, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, और परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन चल रहा है इन कंपनीज का, इसीलिए रिटर्न्स नहीं आया है। लाइक एवेन्यू सुपर मार्ट्स को देखिए, हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी जब हमने इसका पोर्टफोलियो चेक किया था, बहुत ज्यादा पी रेशियो है इस कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, इसीलिए देखिए अंडर परफॉर्मेंस, और नियर फ्यूचर में भी लगता है अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 8 ऑलमोस्ट 9% का। उसी तरह से आईटी का अगर आप देखें, आईटी की कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, और नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता है कि आएगा। वहां पे इनका एक्सपोजर देखें, टीसीएस में कितना बड़ा एक्सपोजर है। उसी तरह से कुछ और नीचे के स्टॉक्स देखें, देखिए पीडीलाइट तो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, अंडर परफॉर्मेंस देखिए, रिटर्न्स नहीं आ रहा है। डिवीज लैब अगेन बहुत अच्छी कंपनीज है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो इसी तरह के आप ज्यादातर इनके स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस नहीं है, उससे पहले भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इनका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ज्यादातर स्टॉक्स आपको सेम मिलेंगे। एवेन्यू सुपर मार्ट देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है, टीसीएस में बड़ा एक्सपोजर है, कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको सभी जगह मिल जाएगा, यहाँ आपको पीडी लाइट भी मिल जाएगा। हाँ यहाँ पे देखिए टॉप होल्डिंग में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, पहले जनरली ये देखने को नहीं मिलता था, तो एटलीस्ट एक पीएसयू कंपनी टॉप होल्डिंग में आपको देखने को मिल रहा है, तो लग रहा है कि शायद थॉट प्रोसेस थोड़ा इनका चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले ऑलमोस्ट 100% वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करते थे, अभी भी लगभग वही है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा एक स्टॉक तो टॉप होल्डिंग में हमें मिला है, क्योंकि एक पीएसयू स्टॉक है। यहाँ पे देखिए इनके ईएलएसएस फंड के टॉप होल्डिंग्स को देखिए, सेम पोर्टफोलियो वही, मतलब अगर किसी ने इन 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो पूरा ओवरलैप है। यहाँ पे देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड, इनका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, सेम स्टॉक्स आपको मिलेंगे। आईसीआईसीआई एचडीएफसी तो सभी जगह है, उसके अलावा देखिए बजाज फाइनेंस भी आपको यहाँ ज्यादातर पोर्टफोलियोज में मिल जाएंगे। एवेन्यू सुपर मार्ट्स देखिए, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक्सेस वैल्यू फंड, ये फंड भी निफ्टी 500 को ही फॉलो करता है एज अ बेंचमार्क, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। क्यों आया है पोर्टफोलियो को देखकर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे टॉप होल्डिंग में आपको कहीं भी एवेन्यू सुपर मार्ट्स नहीं मिल रहा है, देख कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ पीएसयू स्टॉक्स भी मिल रहे हैं, लाइक आपको एनटीपीसी टॉप होल्डिंग में मिल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको टॉप होल्डिंग में मिल रहा है। सो ओवरऑल इस फंड का भी बेंचमार्क सेम है, लाइक एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस फोकस्ड फंड या फिर ईएलएसएस फंड, सभी का बेंचमार्क निफ्टी 500 है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टॉक्स काफी हद तक अलग रखे गए हैं और परफॉर्मेंस भी आया है। यहाँ पे आप एक्सिस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी आपको कोई खराब स्टॉक नहीं मिलेगा, शायद ही कोई दिखे आपको, तो स्टॉक्स यहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन हाँ सेम प्रॉब्लम, वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम है, स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। एक्सिस स्मॉल कैप अगेन आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको काफी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई खराब स्टॉक्स खरीदा हुआ है। अभी हमने एक्सिस के इक्विटी फंड्स का जो डिटेल चेक किया है उससे हमें क्या पता चला है, तो देखिए जो पोर्टफोलियो हमने चेक किया है ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का, पोर्टफोलियो क्वालिटी ऑफ कंपनी अगर आप देखेंगे तो वहाँ मोस्टली इशू नहीं है, ज़्यादातर वेरी हाई क्वालिटी के कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन इन वेरी हाई क्वालिटी कंपनीज़ का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने जब इन फंड्स का पोर्टफोलियो पी चेक किया तो बहुत ज़्यादा था बेंचमार्क के मुकाबले, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखिए जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंपनी को परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देना होता है, उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, ये सब बहुत अच्छे होना चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ा भी डाउन हुआ परफॉर्मेंस तो इनका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, इनफैक्ट नीचे आएगा, और यही ज़्यादातर इनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं
उसके साथ हो रहा है। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमें एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए कोई भी फंड हाउस का एक स्ट्रैटेजी होता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। लाइक HDFC का आप देखें तो वैल्यू स्टॉक्स में उनका अच्छा खासा एक्सपोजर होता है और इसी के कारण उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था, उसके बाद बीच में जब PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था तो सालों तक HDFC के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था सालों तक। और उसके बाद रीसेंट टाइम्स में जब PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस फिर से वापस आया है तो HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस फिर से काफ़ी अच्छा हो गया है। इनफैक्ट उनके जो फंड मैनेजर थे उस समय प्रशांत जैन, उन्होंने हमेशा ही PSU स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया था, उसके कारण उनके फंड्स को बहुत फ़ायदा भी हुआ और बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज नहीं किया। और अब तो खैर वो HDFC के साथ हैं भी नहीं। उसी तरह से एक्सिस को भी अगर आप देखें तो एक्सिस कुछ समय पहले तक अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज अच्छे थे, उस समय भी ये ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते थे, तो उसी स्टाइल के कारण इनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आए थे। लेकिन फिलहाल सेम स्टाइल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशंस चेंज करते हैं, साइक्लिकल है सब कुछ, कुछ सालों में बदलता है, कभी ग्रोथ का परफॉर्मेंस आएगा कभी वैल्यू का परफॉर्मेंस आएगा। फिलहाल वैल्यू का स्टॉक्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो रिलेटिवली अच्छा है, उसके कारण एक्सिस के ज़्यादातर फंड्स, इनफैक्ट सिर्फ एक्सिस नहीं बहुत सारे और भी म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा आ रहा था लेकिन रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, एक तो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जिसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है और दूसरा स्टॉक सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है। तो देखिए पी रेशियो को अगर आप देखें तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो, बढ़ा हुआ हो तो उस समय वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होता है और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होगा। तो ऐसा लग रहा है फिलहाल कि नेक्स्ट ईयर रेट कट स्टार्ट होंगे, तो जब रेट कट स्टार्ट होंगे तो मोस्टली उस समय जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस आएगा और साथ ही ये जो IT स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो उस समय शायद ये जो एक्सिस के फंड्स हैं या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स हैं जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, शायद उस समय उनका परफॉर्मेंस वापस आएगा। बट नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि कोई खास परफॉर्मेंस पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर ये पोर्टफोलियो चेंज करते हैं तो अलग बात है, लेकिन सेम पोर्टफोलियो के साथ अगर ये जाते हैं जो कि जा रहे हैं महीनों से, हम काफ़ी समय से इनका रिव्यूज़ कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किया, सेम स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ये मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखकर हमें एक बात तो बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि कभी भी सो कॉल्ड टॉप फंड्स के चक्कर में नहीं पड़े। और ऐसा नहीं कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि उसी के ज़्यादातर फंड्स टॉप फंड्स होंगे, क्योंकि एक्सिस एक समय ज़्यादातर फंड्स टॉप पे थे। तो हो सकता है काफ़ी इन्वेस्टर्स ने ज़्यादातर इक्विटी फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, एक्सिस के दूसरी जगह इन्वेस्ट ही नहीं किया हो, तो उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत बुरा होगा पोर्टफोलियो का हाल। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट साइक्लिकल है, सबका इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग होता है, इसीलिए कभी भी किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लें। हमेशा स्प्रेड आउट करके रखें, डाइवर्सिफाई करके रखें, ताकि जब मार्केट साइकिल चेंज हो या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल दूसरा कोई आ जाए, लाइक कभी ग्रोथ करेगा कभी वैल्यू करेगा कभी हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा करेगा, तो उसके अनुसार आपके पोर्टफोलियो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उस पर कोई ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़े, ठीक ठाक रिटर्न आपका जनरेट होता रहे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो सैटरडे शाम में मैं 7:30 to 8:30 PM को लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।